नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब में सिंबल ऑप्शन ब्लॉक के अंतर्गत सिंबल ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। कई बार एमएस वर्ड में काम करते वक्त हमें कुछ सिंबल इंसर्ट करने की आवश्यकता होती है, पर कीबोर्ड में वह सिंबल नहीं होते और हमें वह सिंबल कहीं से कॉपी करने पड़ते हैं। आपको एमएस वर्ड में ही यह सिंबल मिल सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देखेंगे हमने एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा है और यहाँ मोबाइल नंबर के आगे मैं चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर का एक सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो वो सिंबल आप कीबोर्ड से नहीं बना सकते, इसके लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पर सिंबल ब्लॉक के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिंबल का। इस सिंबल ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने काफ़ी सारे सिंबल्स आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर अगर मुझे मोबाइल का सिंबल इंसर्ट करना है तो इसके लिए चले जाएंगे हम मोर सिंबल्स पर। मोर सिंबल्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सिंबल आपको ना मिले तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉन्ट दिखाई देंगे, इसमें आपको वेडिंग फॉन्ट सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ पर क्लिक करके आपको W प्रेस करना है। जैसे आप W प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वेडिंग्स का एक फॉन्ट दिखाई देगा। इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सिंबल्स यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके अपना जो भी सिंबल यहाँ पर यूज़ करना चाहें उस सिंबल को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मुझे इस वाले सिंबल को इंसर्ट करना है, इस सिंबल को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे इंसर्ट कर दूँगा। जैसे मैं इसे इंसर्ट करूँगा तो आप देखेंगे वो सिंबल मेरा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अगर आपको कोई दूसरा सिंबल चाहिए तो इसे वापस से कट कर दीजिए, वापस से सिंबल पर चले जाइए। रिसेंटली यहाँ पर जो भी सिंबल्स हमने यूज़ किए होते हैं वो सिंबल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। रिसेंट हिस्ट्री आपकी होती है, जैसे हम इस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए इस सिंबल के लिए मुझे बार बार ऑप्शन पर जाना होता है और बार बार यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि इसकी कोई शॉर्टकट की क्रिएट करना कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर वो शॉर्टकट की जैसे ही अप्लाई करूँ तो यहाँ पर मेरे सामने वो सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप वापस से जाएंगे सिंबल वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर जाएंगे मोर नंबर सिंबल्स पे और यहाँ पर आपको जो भी सिंबल का आपको आइकन इंसर्ट करना है उस सिंबल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं सिंबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इस सिंबल को सिलेक्ट कर लिया। इस सिंबल को सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्टकट कीज़ का, इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे बोला जाएगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यानी आप यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वही शॉर्टकट की आपको अप्लाई करना है जो शॉर्टकट की आपके एमएस वर्ड में यूज़ ना होती हो। जैसे अगर आप यहाँ पर कंट्रोल सी दबाएंगे तो कंट्रोल सी जो शॉर्टकट की है ऑलरेडी कॉपी की शॉर्टकट की होती है, तो इस शॉर्टकट की को आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर कोई ऐसी शॉर्टकट की क्रिएट करते हैं जो कि एमएस वर्ड में यूज़ ना होती हो। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से दबाएंगे तो आप देखेंगे आपका शॉर्टकट की यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसको आपको करना है यहाँ पर असाइन। जैसे आप इसे असाइन करेंगे तो ये शॉर्टकट की इस सिंबल के ऊपर फिट हो चुकी है। अब आपको इसे क्लोज कर देना है और इसे भी यहाँ से क्लोज कर देना है। जब भी हमें उस सिंबल की जरूरत होगी हम अपने कीबोर्ड से उस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, लाइक कंट्रोल शिफ्ट क्यू। जैसे ही मैं दबाऊंगा आप देखेंगे हमारे सामने वो सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंबल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।